नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विक्रणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों बात करते ARC फाइनेंस शेयर की लेटेस्ट न्यूज या लेटेस्ट अपडेट, और ARC फाइनेंस के Q1 रिजल्ट आउट हो चुकी है, राइट। तो ये जो स्टॉक है ₹1.22 का शेयर है, अंत तक वीडियो देखना अगर आप समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, ठीक है। कंपनी के जून क्वार्टर के नंबर आउट हो चुके हैं, जहां कंपनी की सेल्स 176% अप हुई है। अगर आप एक कंपैरिजन करते हो, इससे मत करना, इससे कही जाती है, तो जून के कंपैरिजन कंपनी की सेल्स 1 करोड़ हुई है और कंपनी का प्रॉफिट 21 लाख का है। 21 लाख का प्रॉफिट है, उस समय 11 लाख का प्रॉफिट था, मतलब कंपनी के नेट प्रॉफिट 100% का अब हमें देखने को मिलता है। तो मतलब कंपनी के प्रॉफिट कैसे आए हैं, बहुत बढ़िया आए हैं, और मार्च के कंपैरिजन उस समय लॉस था, अब कंपनी को प्रॉफिट है। तो यही बोलूंगा कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ARC के अप हुए, अब इस वजह से स्टॉक कभी ऊपर जा सकता है, बिग नो। मुझे नहीं लगता पर्सनली कि किसी भी स्टॉक के अच्छे नंबर आने से, देखो ध्यान रखना बहुत सारी चीजें होती है, कभी कभार कंपनी के नंबर अच्छे आते घटिया आते, स्टॉक का भी ऊपर जाता है, अच्छे आते हैं स्टॉक का भाई नीचे आता है, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती है। जब अच्छे आते तो प्रॉफिट बुकिंग की जाती है, और जब घटिया आते तो बाइंग की जाती है, उल्टा होता है स्टॉक मार्केट में मोस्टली, ठीक है। ये सब चीजें आपको प्राइस से पता चल जाएगा कि स्टॉक में क्या होने वाला है, अगर आप प्राइस को ढंग से देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो वॉल्यूम के साथ, तो आपको चीजें कुछ समझ आना स्टार्ट हो जाती है कि हाँ स्टॉक में ऐसा हो सकता है, और ये सब एक बोल सकते हो पॉसिबिलिटीज का गेम है, ठीक है भैया, ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है। आपको ध्यान क्या देना है, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, अगर उसके ऊपर ध्यान दोगे तो भाई आपकी ना 80% जो विनिंग चांस है जीतने का वो बढ़ जाएगा। बाकी तो अगर नहीं फॉलो करोगे तो एक दो दिन ऐसा आएगा जहां आपका पूरा का पूरा कैपिटल साफ हो सकता है, मतलब जो कमाया है वो आपको गंवाना पड़ देगा एक ट्रेड में या फिर एक इन्वेस्टमेंट में। इसलिए कहता हूँ रूल्स को फॉलो किया करो। अब देखो 30 पैसे का स्टॉक था, बहुत तगड़ा वाला रिटर्न कमा के दिया, 18,000% का रिटर्न, यार मजाक हो रहा था, 18,000% देख लो आपके सामने, 30 पैसे का स्टॉक था, ठीक है, और 18,000% हलवा नहीं हो रखा है। तो भाई जिन्होंने जिसके पास ये था 3 पैसे 4 पैसे में, उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया, और वहां से स्टॉक तो नीचे भी टूट चुका है 77%, और होता है ये चीजें, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत टूट गया यहीं से, भाई 3 पैसे से स्टॉक 5 रुपए तक गया है, तुम्हें क्या लगता है जो चीज 3 पैसे से 5 रुपए तक गई है ना, जिसने 3 पैसे में स्टॉक को बाय किया, 4 पैसे में किया है, वो बंदा अभी भी स्टॉक में 3000% के प्रॉफिट में अप है, ठीक है। आप लोगों को महंगा लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि स्टॉक ऊपर से नीचे टूट चुका है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए सस्ता है जिसने 3-4 पैसे में बाय किया है, क्योंकि भाई आपके सामने 3-4 पैसे में किसी व्यक्ति ने दिमाग लगा के पैसा डाला है, उसने वहां रिस्क लिया है, और जिसने रिस्क लिया है उसको आज रिटर्न मिल रही है। तो इसका मतलब वो बंदा हमसे स्मार्ट है, उसने पैसा कमा लिया, उसका रिस्क यहाँ पर शून्य है। अब आता क्वेश्चन कि भैया मैं तो उस समय उसको देख नहीं पाया, ठीक है, उस समय मुझे पता भी नहीं था, तो मैं अब स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ, तो कहाँ बाय करूँ, कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो बताओ। तो अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने आपको लास्ट मंथ एक सेटअप बताया था, उसको फॉलो करो। अगर वो सेटअप आपको बोलता है बाय करो तो बाय करो। देखो दो तरीके बाय करने के, एक तो सपोर्ट के आसपास, अब स्टॉक का सपोर्ट कहाँ बनता है, 87-88 पैसे। अब ये स्टॉक 87 पैसे आया, पहले देखो तो स्टॉक ने 1 रुपए का सपोर्ट बनाया, 1 रुपए 3 पैसे, और ये भी एक नॉर्मल सी बात है कि 1 रुपए ना एक ऐसा प्राइस है जहां पर सपोर्ट बन सकता है, उसने बिल्कुल वही सपोर्ट किया, वहां से स्टॉक कहां तक गया, आपका 1 रुपए से लेके स्टॉक आपका ऑलमोस्ट 1.35 रुपए तक गया, अब स्टॉक दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है। अब आता क्वेश्चन भैया 88 पैसे आएगा, हाँ भाई क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है, तो आप 88 पैसे बिट डाल के रखो, सपोर्ट एरिया है। अगर 88 पैसे बाय नहीं करना है, उससे पहले सपोर्ट मार के भाग जाए ऊपर क्या पता, तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो वो क्या है, लास्ट मंथ ही मैंने आपको बतलाया था वो चीज, अभी भी बता रहा हूँ। देखो अगर आप ध्यान से फॉलो करोगे स्टॉक के चार्ट को, तो मैंने क्या बताया लास्ट मंथ में, ये मंथली में देखो अभी तक इसने लास्ट मंथ का जो हाई है रेड कैंडल का वो तोड़ा नहीं है, 1.54 रुपए का हाई है, और इस महीने मतलब जो अभी गया आपका जुलाई, उसने 1.48 रुपए का हाई लगा के देखो नीचे की तरफ आ गया। तो मैंने बोला ना ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से काम करता है, एक दो बार आपके SL होंगे, नो वरी एट ऑल, हमें स्टॉप लॉस लेना है खुशी खुशी अगर आप ले सकते हो, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं ले सकते तो भाई फिर मत पैसा डालना, ठीक है। तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, और यहाँ देखो बाय अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। अब बोलोगे सर बाय कब एक्टिवेट होगा, जब तक ये 1.56 के ऊपर क्लोज नहीं करता बाय मत करना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग यहाँ बाय कर रहे हो
मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा 156 के ऊपर ही बाय करना ब्रेकआउट के ऊपर, क्योंकि सपोर्ट एरिया कहां पर है 88 पैसे। अब 88 पैसे आएगा या तो वहां बाय करो या फिर ब्रेकआउट के ऊपर बाय करो, दो ही गेम हो सकते हैं, या तो भैया ब्रेकआउट के ऊपर बाय करो या फिर सपोर्ट के आसपास बाय करो। अब सपोर्ट कितना बनता है 88 पैसे, 90 पैसे, 90 पैसे 95 पैसे के बिट डाल के छोड़ दो, आता है तो बाय करो, नहीं आता तो इसको छोड़ दो फिर, ठीक है। और दूसरी बात, ब्रेकआउट के ऊपर कब बाय करोगे, प्राइस आपको मैंने बता दिया, ये रहा 1.54 रुपये, इसके ऊपर जाता है तब आप बाय करना, उससे पहले बाय मत करना। समझ आ गया कहाँ बाय करना, ये अर्थी में क्या आपको इसमें करना चाहिए। बाकी एक बार थोड़ा व्यू देख लेते क्या कि स्टॉक पे कैसा फाइनेंशियल आ रहा है। देखो 1.02 रुपये की बुक वैल्यू थी स्टॉक की, बिल्कुल वही सपोर्ट देकर स्टॉक ऊपर गया, तो हाँ ये सपोर्ट काम कर सकता है, कर भी रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं कंपनी की, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी छोटे मोटे प्रॉफिट आपको दे रही है, ठीक है। ईयरली प्रॉफिट की बात करते हैं तो लगातार कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, कुछ चेंजेस तो नहीं हुए, तो प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 22-12% जो पहले थी वही है, पब्लिक की होल्डिंग 88% है। अब पब्लिक के अंदर भी कुछ रिटेल होंगे, बड़े रिटेल, उनकी भी होल्डिंग आप लोग देख सकते हो 8% है भैया। ऋषि अग्रवाल करके इन्होंने 8% की सारी स्टॉक में बाय करी है, तो देख सकते हो भाई इतनी बड़ी होल्डिंग ये बंदा बाय करके बैठा है स्टॉक में, राइट। तो काफी अच्छी बात है कि भाई ये बंदा स्टॉक में बाय कर रहा है। ऋषि अग्रवाल देखो ये कितनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी बाय करता है, ठीक है, 5 लाख 19 लाख, तो ये बंदा देखो पूरा पूरा घुसा पड़ा है और पैन स्टॉक में बाय कर रहा है ARC NCL में, तो समझने का प्रयास करना। तो ये 8% की सर लेके अगर बैठा है तो पागल तो नहीं होगा यार भैया, करोड़ शेयर लेके बैठा है तो पागल तो नहीं होगा बंदा, सोच समझ के पैसा लगाया होगा। तो देखो इन सबको अगर आप जोड़ते तो आपको दिखता है कि बड़ा पैसा लगाया, तो मैं यही बोलूंगा बाय कर सकते हैं हम, नो डाउट। लेकिन ARC को अगर बाय करना है 88 पैसे, 90 पैसे, 95 पैसे, 3 पॉइंट बता दिए, ठीक है, उनमें तीनों में से कहाँ मिल जाए बाय करना, और अब आप 1.54 रुपये से पहले बाय मत करना। समझ आ गया, ये सिंपल स्ट्रेटजी ARC में फॉलो कर सकते हो। बाकी वॉल्यूम की बात करते हैं तो रोजाना स्टॉक में देखो वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, लोग अभी भी स्टॉक को बाय कर रहे हैं। अब आपकी मर्जी, आपको अगर बाय करना, मैं इसकी सजेशन आपको कभी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से बाय करता हूं वो तरीका मैंने आपको बतला दिया, दो ही तरीके, सपोर्ट के आसपास या फिर अबव द ब्रेकआउट, अब मर्जी आपकी आपको कहां करना है, ठीक है। तो नजरों में रखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अगर अच्छी रिटर्न चाहिए तो ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, नहीं रिटर्न चाहिए अच्छी तो भैया जहां मर्जी बाय कर लो, लॉस ही होने वाला है, लिख के ले लो कॉपी पेन लेके, ठीक है। 28 लाख शेयर लोग घर लेके गए, 49% भी स्टॉक में उठाई गई है, तो अच्छा खासा वॉल्यूम स्टॉक में आ रहा है, तो स्टॉक पे वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब वी कैन बाय सेल इजी। जो लोग बोलते हैं पेंशनों का वॉल्यूम नहीं आता, भाई पेंशनों का तगड़ा वाला वॉल्यूम आ रहा है आपके सामने है। और दिक्कत क्या है ना, आप लोगों को चाहिए कि भैया मैं कल सुबह उठूं, दो दिन दिन में थोड़ी मेहनत ना करना पड़े और मुझे स्टॉक मिल जाए, तो देखो अगर रिटर्न चाहिए अच्छी खासी तो थोड़ा बहुत तो बाय और सेल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर थोड़ा आलस मारोगे मेरी तरह तो शायद फिर आपको स्टॉक मिलेगा भी नहीं, तो अगर आप थोड़ा मेहनत कर सकते हो तो प्लीज आप स्टॉक को देखिए, नहीं देख कर सकते तो बड़े बड़े स्टॉक है जो 100 रुपये 200 रुपये मिल रहे हैं, आराम से उनको बाय करो, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में।